गाइस इन दिनों इंडियन बॉक्स ऑफिस पर बॉलीवुड इंडस्ट्री के दिग्गज कलाकार अजय देवगन स्टार फिल्म औरों में कहां दम था और जानवी कपूर स्टार फिल्म उलझ के बीच क्लैश देखने को मिल रहा है। आपको बता दें इन दोनों फिल्मों को आज सिनेमा घरों में रिलीज हुए 9 दिन पूरे हो चुके हैं। इस वीडियो में हम इन दोनों फिल्मों के 9वें दिन की इंडियन और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इसके साथ ही इस वीडियो में हम इन दोनों फिल्मों के 10वें दिन की इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में भी आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिएगा। गाइस सबसे पहले बात कर लेते हैं अजय देवगन स्टारर फिल्म औरों में कहां दम था के बारे में। आपको बता दें ये एक ड्रामा रोमांस थ्रिलर से भरपूर फिल्म है। साथ ही साथ आपको बता दें इस फिल्म को IMDb पर 8.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। वहीं आपको बता दें इस फिल्म को वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 3000 स्क्रीन पर रिलीज किया गया था। वहीं इस फिल्म की स्टार कास्ट में हमें अजय देवगन, साई मांजरेकर, तब्बू, शांतनु माहेश्वरी, जिमी शेरगिल, पुष्पेंद्र सिंह और सियाजी शिंदे जैसे कलाकार नजर आए हैं। वहीं आपको बता दें इस फिल्म का निर्देशन नीरज पांडे ने किया है। वहीं इस फिल्म की कहानी भी उन्होंने ही लिखी है। साथ ही साथ आपको बता दें इस फिल्म को IMDb पर 5.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। वहीं अगर बात की जाए इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, आपको बता दें इस फिल्म ने अपने पहले दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस से 1,85,00,000 रुपये का कलेक्शन किया था। पहले हफ्ते में इस फिल्म ने 10,10,00,000 रुपये का कलेक्शन किया था। वहीं इस फिल्म ने अपने 8वें दिन 35,00,000 रुपये का कलेक्शन किया था। वहीं इस फिल्म ने अपने 9वें दिन यानी अपने दूसरे शनिवार को इंडियन बॉक्स ऑफिस से 50,00,000 रुपए के रेंज में कलेक्शन किया है। इस तरह से फिल्म औरों में कहां दम था का टोटल 9 दिनों में इंडिया में बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 10,95,00,000 रुपए का हो गया है। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें इस फिल्म का बजट 90 करोड़ रुपए के रेंज में बताया गया है। इस तरह से ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर फ्लॉप तक साबित हो चुकी है। साथ ही साथ इस फिल्म के वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में चर्चा की जाए तो आपको बता दें फिल्म औरों में कहां दम था ने अब तक दुनिया भर से तकरीबन 15,10,00,000 रुपए के रेंज में कलेक्शन कर लिया है। साथ ही साथ इस फिल्म के 10वें दिन की इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में चर्चा की जाए तो आपको बता दें ये फिल्म अपने 10वें दिन यानी अपने दूसरे रविवार को इंडियन बॉक्स ऑफिस से 70,00,000 रुपए के रेंज में कलेक्शन करने वाली है। वहीं अब बात कर लेते हैं जानवी कपूर स्टारर फिल्म उलझ के बारे में। आपको बता दें ये एक पॉलिटिकल ड्रामा थ्रिलर से भरपूर फिल्म है। साथ ही साथ आपको बता दें इस फिल्म को वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 1,000 स्क्रीन पर रिलीज किया गया था। वहीं इस फिल्म के स्टार कास्ट में हमें जानवी कपूर, गुलशन देवैया, रोशन मैथ्यू, मियांग चैंग, राजेश तैलांग और साक्षी तनवार जैसे कलाकार नजर आए हैं। वहीं आपको बता दें इस फिल्म का निर्देशन सुधांशु सरिया ने किया है। साथ ही साथ आपको बता दें इस फिल्म को IMDb पर 8.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। वहीं अगर बात की जाए इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, आपको बता दें इस फिल्म ने अपने पहले दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस से 1,15,00,000 रुपए का कलेक्शन किया था। पहले हफ्ते में इस फिल्म ने 7,20,00,000 रुपए का कलेक्शन किया था। वहीं इस फिल्म ने अपने 8वें दिन 35,00,000 रुपए का कलेक्शन किया था। वहीं इस फिल्म ने अपने 9वें दिन यानी अपने दूसरे शनिवार को इंडियन बॉक्स ऑफिस से 55,00,000 रुपए के रेंज में कलेक्शन किया है। इस तरह से फिल्म उलझ का टोटल 9 दिनों में इंडिया में बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 8,10,00,000 रुपए का हो गया है। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें इस फिल्म का बजट 30 करोड़ रुपए के रेंज में बताया गया है। साथ ही साथ इस फिल्म के वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में चर्चा की जाए तो आपको बता दें फिल्म उलझ ने अब तक दुनिया भर से तकरीबन 10,50,00,000 रुपए के रेंज में कलेक्शन कर लिया है। साथ ही साथ इस फिल्म के 10वें दिन के इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में चर्चा की जाए तो आपको बता दें ये फिल्म अपने 10वें दिन यानी अपने दूसरे रविवार को इंडियन बॉक्स ऑफिस से 80,00,000 रुपए के रेंज में कलेक्शन करने वाली है। वैसे कि आपको अजय देवगन स्टार फिल्म औरों में कहां दम था और बॉलीवुड इंडस्ट्री की दिग्गज एक्ट्रेस जानवी कपूर स्टार फिल्म उलझ को लेकर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय देना मत भूलिएगा। वहीं ऐसी वीडियो की अपडेट के लिए हमारे चरण मूवी फॉर अपडेट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।